युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माधवगंज पर फूंका भाजपा सरकार का पुतला। पटवारी परीक्षा घोटाले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर भोपाल में लाठी चार्ज का किया विरोध। पुलिस के साथ पुतला दहन के दौरान हुई झूमा झटकी। शनिवार को युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भोपाल में पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा उनके साथ लाठी चार्ज कर घायल करने के विरोध में माधवगंज पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला फूंका। NSUI के प्रदेश महासचिव असित खान ने बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, जो हमारा अधिकार भी है, लेकिन पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज पर हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। उसी के विरोध में हमने आज भाजपा सरकार का पुतला फूंका है। देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज सिंह जी सरकार, जिस प्रकार कल हमारे भोपाल के जिलाध्यक्ष मोनू सक्सेना द्वारा जो व्यापारी घोटाला हुआ है उसके तत्वाधान में जो उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है, उनकी आंख में बहुत चोट है और हमारे कई कार्यकर्ता वहाँ घायल हुए हैं। उसी के निंदनीय हम उसकी निंदा करते हैं और विदिशा के सभी कांग्रेस जन, हिंदुस्तान के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जो आज उन्होंने यहाँ पर सरकार का पुतला दहन किया है, हम इसकी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिल्कुल साफ होगी और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर हम 155 सीट है हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे, ये हम दावा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश महासचिव NSUI पटवारी भर्ती घोटाले के विरोध में कल भोपाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, मेरे नेता प्रदीप मोनू सक्सेना जी शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे थे। शिवराज सिंह के इशारे पर पुलिस द्वारा उन पर बाबरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हैं और भोपाल के अस्पताल में एडमिट हैं। कई कांग्रेसी चोटिल हुए हैं। शिवराज सिंह ये कैसी तानाशाही सरकार चला रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में जो भी मुद्दे होंगे इसका विरोध प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में अधिकार है? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं शिवराज जी। शिवराज जी गलत फहमी में है कि इस तरीके की दमनकारी नीतियों के तहत वो विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतला दहन किया, किन का किया? भाजपा सरकार का हमने पुतला दहन किया है। शिवराज सिंह गलत फहमी में है कि सोच रहे हैं इस तरीके की दमनकारी नीतियों से विपक्ष की आवाज़ को दबा सकेंगे, लेकिन वो गलत फहमी में है। जितने भी पटवारी भर्ती घोटाले के परीक्षार्थी हैं आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट देकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद।